नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मेधावीज किचन। गणपति जी बैठ गए हैं और अब हम आपको बता रहे हैं मावे के मोदक की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आप इसको 10 या 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए। गणपति बप्पा मोरिया। तो आइए हम आपको बताते हैं इसमें हमारे को कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। 100 ग्राम हमने मावा लिया है, 50 ग्राम्स खोपरे को किस लिया है, ये ड्राई खोपरा है, और ये हमने लिया है आधा मिल्क मेड का डब्बा। इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वो हैं बादाम, पिस्ता और काजू। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ये हमने देखे इस तरह से बारीक बारीक काट लिए हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। ये काजू है, ये बादाम है, ये पिस्ता है। ये हमने लिया है छोटा सा सांचा मोदक के लिए, इस तरह से। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में हम आपको इंग्रेडिएंट्स लिख के बता देंगे और उसकी क्वांटिटी भी बता देंगे। और आइए अब हम अपना मावा थोड़ा हल्का सा भूनते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, 1 टेबलस्पून घी। इसमें हम अपना मावा डालेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि मावा थोड़ा ड्राई होता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे तो वो बेटर रहता है। देखिए थोड़ा सा ही भूनना है इसे हमें, क्योंकि अभी फ्रिज में भी रखा हुआ था, और इसलिए हम इसको थोड़ी देर चला लेते हैं। अब हम इसमें मिल्क मेड डाल देंगे। मिल्क मेड के घुलने तक हमें जरा वेट करना पड़ेगा। और अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही सिंपल है देखिए इसको बनाना, और अगर किसी फास्ट है तो वो भी खा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमने इलायची पीस ली है, अब डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर। याद रखिए जब भी आप इलायची पीसते हैं प्लीज उसको शक्कर डाल के पीसिए और उसको छानिए जरूर, नहीं तो मुंह में छिलके आते हैं। अब इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने तक वेट करेंगे। देखिए हमने मावे को इसमें निकाल लिया है एक प्लाटर में, और अब हम इसको सांचे में डाल के अपने प्लाटर दूसरे प्लाटर में सजाएंगे। तो आइए हम अब इसको सांचे में डालते हैं। जब भी आप सांचा लेते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए। हम इसमें ब्रश भी यूज कर सकते थे, लेकिन इतना छोटा है कि वो नहीं चलेगा ब्रश यूज करना। अब देखिए आप इसको इसमें डालिए इस तरह से, ये इस तरह से रखिए आप इसको ऐसे, सब में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर इसको आप बंद कर दीजिए। आप इसको जितना साफ करेंगे ना बाहर से, उतना ज्यादा आपका मोदक नीट आएगा। देखिए इसको आप इस तरह से खोल लीजिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है। इस तरह से आप इसको रख दीजिए। घबराइए नहीं, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, पर आप जो है इसको ठीक से भरिए जरूर। इस तरह से आप इसको नीचे से भी फिल कर दीजिए, पूरा दबा दीजिए और इसको अच्छे से दबा दीजिए, एक्स्ट्रा सब निकाल लीजिए। इस तरह से बनते जाएंगे। अब देखिए आप इसी तरह से सब बना लीजिए। हमारे मोदक बनके तैयार हैं। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप उसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से हमने अपने मोदक की प्लेटिंग की है। आप अगर और किसी उसमें गोल वाले इसमें डालना चाहें या केले के पत्ते पे लगाना चाहें वो, तो उससे भी लगा सकते हैं। ना बच गया है तो हमने इसको बचा अंदर रख देंगे फ्रिज में, और जब कभी ताजा भोग लगाना होगा तो ये फिर से मोदक बना के भोग लगा सकते हैं।